मॉर्निंग और आज भी है, काफ़ी ठंड शुरू हो गई। कल तो मतलब मैं रात में वॉक करते गई थी तो मुझे लग रहा था मैं शिमला में आ गई हूँ, पर अच्छा लग रहा था टहल के। और आई थिंक नोएडा में टहलना भी ईजी हो गया, लेकिन डॉग्स बहुत हो गए हैं सड़क पे और इतना ज़्यादा बात करते भोंकते हैं। और एक कुत्ता अगर इधर से भोंकता है तो उधर से दूसरा आवाज़ देता है, तो हो सकता है मे भी एक दूसरे को जो है वो साउंड देते हैं और मैं म्यूजिक सुन रही हूँ थोड़ा लाउड आवाज़ में, थोड़ा उठना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है टट और मैं अपनी चाय पीती हूँ। फ्रेंड आई थी तो हम जो है जी आई पी और क्या बोलते हैं जो अब मेरे घर के पास ही है सारे मॉल, जी आई पी, गार्डन गलेरिया और देन हम उसकी बेटी का बर्थडे है तो उसी के लिए ड्रेस देखने गए थे, पसंद आ गया ले भी लिया। और मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है और आई थिंक ये डोर क्लोज है, मैं कैसे खोलूँ बाहर या अंदर, और सेट ये डोर मुझसे ओपन नहीं हो रहा है अब वो भी और सन निकला हुआ है, सन निकल गया है, सन के निकलने से थोड़ी राहत होती है कि आपको लगता है कि हाँ सन निकल गया तो एक। और मुझे तो अपने लॉन में बड़ा अच्छा लगता है कि खूब सारे मैंने कितने ब्यूटीफुल फ्लावर ले आके रखे हुए हैं, और फ्लावर मैं सोजनिया लगाई थी, क्या बोलते हैं कोरिएंडर, ये निकल आई है बहुत थोड़ी सी निकली है, तो आई थिंक यहाँ की जो सॉइल है बड़ा अजीब टाइप का सॉइल है और सॉइल पर कुछ भी नहीं होता है, यहाँ का फर्टिलाइज़र बहुत ख़राब है, मिट्टी बहुत बेकार है, कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। मैं सोच रही हूँ अपनी योगा क्लासेस कर लूँ या रनिंग कर लूँ, सुबह रनिंग करने जाऊँ, रनिंग करने का मन कर रहा है कि सुबह थोड़ा रनिंग कर लूँ। मैं आई हूँ अपने नेल आर्ट कराने के लिए और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सीमा खरबंदा जी, और मुझे नहीं पता था कि नेल आर्ट ये खुद ही करती हैं, और उस दिन हम लोगों ने इनके क्या डिनर में स्पिनिच क्रैकर खाया था और ये इनके खुद के एक्सटेंसर, और काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं, और जैसे जैसे मैं कराऊँगी आपको दिखाऊँगी। और ये नोएडा में ही रहते हैं, और आपको अगर कराना होगा तो आप मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं तो मैं एड्रेस आपको बताऊंगी। ओके बाय। ये जो साइड्स के वो निकाल देगा ना, ये जो डेड स्किन है ना आपकी वो निकाल देगी। हाँ, जैसे मैनिक्योर होता है ना तो ये ड्राई मैनिक्योर हो रहा है, क्योंकि हम इसके ऊपर ही अगर डेड स्किन के ऊपर करते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए कर रहे हैं। ये है पुशअप, ये जो आपकी एडिशनल क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स को पुश करने के लिए, सो देट हमारा नेल बेड जो होता है वो और बड़ा दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम ड्रिलिंग ही बोलते हैं, इसमें हम एक्चुअली आपके नेचुरल नेल की शाइन को रिमूव कर रहे हैं। इसको हम नेल प्रिपरेशन भी बोलते हैं बिकॉज एक्सटेंशन लगने मेरे नेल जो है लगाए जा रहा है, एक्सटेंशन किया जा रहा है इसको, और काफ़ी मेहनत का ये प्रोसेस है, इजी नहीं है क्योंकि पहले साइज़ का सेलेक्ट करना फिर लगाना उसको। और ये मेरे सारे एक्सटेंशन जुड़ गए हैं, अभी ये वेट हो रहा है, सूखने के बाद इसकी कटिंग होगी, अभी धीरे धीरे बहुत सारे प्रोसेस होंगे जो मैं दिखाती हूँ। अरिजीत सिंह के सॉन्ग लगा दे देता,
इसमें है? हाँ हाँ हेयर एक्सटेंशन नेल एक्सटेंशन तो लिप फिलर चलता है ना? हाँ लिप फिलर भी आते हैं। ओके अच्छा सारा मेकअप लड़कियों पे ही है ऐसा क्यों? आजकल बॉयज भी कराते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। अगर बॉयज ज्यादा करा ले तो वो अजीब सा नहीं लगता है कुछ? ये देखिए थोड़ा सा साइड में। हाँ ये अच्छा मतलब एक जैसे मेकअप प्राइमर लगाते हैं ना स्किन के ऊपर एक बेस क्रिएट करने के लिए। सेकंड कोट लगा रहे हैं ना उसी का? नहीं नहीं प्राइमर का ही है। ओके एज होती है देखो जैसे आपने ब्रश लिया मूव किया ना मैं उसी से समझ गई कि आपका पेंटिंग सब्जेक्ट रहा होगा। बस तुम्हें नहीं ले रही हूँ सिर्फ अपने हाथ का ले रही हूँ। फाइनल हो रहे हैं हमारे नेल्स। ढाई तीन घंटे तो हो ही गए। तीन घंटे हो गए इतने में तो मूवी एक देख लिया था। तीन घंटे नहीं हुए पे आ गई थी आप सिक्स पे आ गए थे। और क्या तीन घंटे हो गए हमें बड़े बातें करते करते। हाँ बातें तो हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। चलिए डिजाइन भी थोड़ा सा तैयार नहीं तो वो वाला हटते थे। ये मेरे नेल आर्ट्स हो गए कंप्लीट और काफी खूबसूरत आप देख सकते हो। और आपको अगर कराना है तो प्लीज आप मेरे लिंक में आप पूछ सकते हो। मैं एड्रेस और फोन नंबर दूंगी। और सीमा खरबंदा इज द बेस्ट नेल आर्ट नोएडा में। मुझे लगता है सबसे ज्यादा परफेक्ट इन्हीं का है और मुझे पसंद आया तो आपको भी पसंद आएगा। और मुझे ऐसा कुछ लाइट ही कराना था कूल कलर तो आई बहुत मन से ये किया है और सी इज ए गुड लेडी। और मैंने वहीं खाना भी खा लिया और सब मेरा घर पे वेट कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं फोन नहीं कर पाई लास्ट टाइम में मोमेंट में मेरा फोन जो है मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। और
करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं, काफी टाइम टेकन ये। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। मैं रात में ये स्वेटर निकाल के रखती हूँ और सुबह उल्टा ही पहनती हूँ, ये भी सही है। दिन में आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हो तो अंदर से ही गंदा होगा, बाहर से भी गंदा होगा। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे नेल्स रातों रात कितने बड़े हो गए, और अच्छा तो लग रहा है पर प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली नेल्स से। ये प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ये मैंने मुझे कप उठाना है तो ये तो ईजी है, अगर किसी चीज़ का डिब्बा खोलना है तो वो मैं खोल ही नहीं सकती, अगर खोला तो ये नेल निकल जाएगा क्योंकि आर्टिफिशियल नेल है, मेरे अपने तो है नहीं, तो वो सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है। और अजीब सा लग रहा है, नेल बहुत भारी भारी सा लग रहा है, कभी कराया नहीं है तो फर्स्ट टाइम मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि लग रहा है मेरे हाथों में कुछ अलग सा कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो वो फील बहुत अजीब सा हो रहा है। हो सकता हो एक दिन में ये नॉर्मल हो जाए, देखती हूँ कि नॉर्मल होता है कि नहीं, पर करा तो लिया ही है, अब इसको चलाना है क्योंकि जिसने किया है उसने भी बहुत मेहनत से किया है, और 1-2 घंटे लगते हैं तो 1 महीना तो कम से कम इसको चलाना ही है, केयर करना है। और आई थिंक पिंक कलर हमेशा कूल कलर होता है, तो ये कलर मुझे बहुत लाइट शेड पसंद था, और मैंने बोला था कि मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा हैवी सा नहीं कराना है जो मेरे नेल्स और मेरे नेचर के साथ मैच करें, तो वो ठीक है, मुझे कूल पसंद है, कूल कलर ही अच्छा लगता है। और मेरा सॉन्ग चालू है, मुझे सुबह मॉर्निंग सॉन्ग के साथ ही नींद खोलना पसंद है। और